एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं अभी आपको एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताने जा रही हूँ, जो कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, वन मे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाज प्रपोज्ड अराउंड 300 BC। ये सबसे पुराना मॉडल है कम्युनिकेशन का, और इसका लगभग 300 BC के आसपास बनाया गया। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 5 एलिमेंट्स। इसको ज्यादातर हमने 5 एलिमेंट्स या 5 पार्ट्स में बांटा है। पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच या मैटर, तीसरा है ओकेजन या सिचुएशन, चौथा है ऑडियंस, और पांचवा इफेक्ट या आउटकम। स्पीकर मतलब क्या होता है कि जो भाषण देता है, जो किसी चीज को बोलता है। उसके बाद है सेकेंड स्पीच या मैटर, टॉपिक क्या, किस चीज के बारे में भाषण दे रहे हैं या किस चीज के बारे में हम किसी को डिस्क्राइब करें। तीसरा है ओकेजन या सिचुएशन, किस सिचुएशन के लिए बात करें, किस पर्व के लिए, किस फेस्टिवल के लिए, या किस रीजन से हम आपको कोई चीज भाषण दे रहे हैं। चौथा ऑडियंस यानी पब्लिक, हम किस लोगों को, किस एज ग्रुप को, लोगों को चुन के वो मैटर बताने चाह रहे हैं। और चौथा है, पांचवा है इफेक्ट या आउटकम, और जो उसका प्रभाव, जो मेरा भाषण है उसका प्रभाव या इफेक्ट क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो पब्लिक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर उसको सिचुएशन और एज ग्रुप दोनों को चूज करके बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम भाषण पूरा दे रहे और वो उस पब्लिक या उस ऑडियंस के लायक ही नहीं, वो उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारा आउटकम निगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस केस में हमें ऑडियंस को चूज करना बहुत जरूरी है कि हम जो मैटर बता रहे हैं, जो मैटर तैयार की या जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को संबोधित करें, वो क्या उन लोगों के लिए है या नहीं, क्या वो चीज़ उस भाषा में समझ पाएंगे कि या नहीं। अगर कोई मैटर हम किसी को बता रहे हैं, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा, तो हमारा बोलना बेवकूफ़ी हो गया। इसलिए हमें इसमें ये चूज करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह को ऑडियंस को चूज करें, क्या पब्लिक को, और किस लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। इट इज यूज फॉर इंटरपर्सनल एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये ज्यादातर किस लिए यूज होता है, लोगों के बीच में एक आपसी रिश्ता, आपसी सामंजस्य बनाने के लिए और लोगों को संबोधित करने के लिए। एनालिसिस ऑफ ऑडियंस इज मस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस केस में ऑडियंस को चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके लिए हम ये मैटर बना रहे वही उस ऑडियंस का पार्ट नहीं हो, तो मेरा वो चीज बताना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसमें ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। आई थिंक मैंने अभी तक जितना एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर इसका छोटा सा और पार्ट है जिसमें इसकी क्रिटिसिज्म है, वो मैं आपको आगे के नेक्स्ट क्लास में दूंगी। अगर आपको मेरा क्लासेस समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।